सलमान खान से पहले इन दो एक्टर्स को ऑफर हुई थी दबंग, भाई अरबाज ने किया रिवील। सलमान खान की सुपरहिट फिल्म सीरीज दबंग के तीसरे पार्ट की शूटिंग जारी है। फिल्म में सलमान एक बार फिर चुलबुल पांडे के किरदार में नजर आएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सुपरहिट सीरीज के लिए सलमान खान पहली पसंद नहीं थे। ये फिल्म पहले इन एक्टर्स को ऑफर हुई थी, लेकिन उनके मना करने के बाद ही ये फिल्म सलमान खान के खाते में आई। इस साल 20 दिसंबर को दबंग 3 रिलीज होगी, लेकिन सलमान खान की सुपरहिट सीरीज पहले रणदीप हुड्डा और इरफान खान को ऑफर हुई थी। इस बात की जानकारी सलमान के भाई अरबाज खान ने दी। दरअसल मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में अरबाज ने बताया कि दबंग के निर्देशक अभिनव कश्यप ने चुलबुल पांडे के लिए इरफान खान या फिर रणदीप हुड्डा को लेकर प्लान किया था, लेकिन बात नहीं बन पाई। अरबाज बताते हैं कि जब अभिनव ने उन्हें मक्खी का किरदार ऑफर किया तो उन्होंने अभिनव से पूछा कि वो चुलबुल का किरदार उन्हें ऑफर क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि तुम मक्खी के किरदार में जमोगे और साथ ही साथ इस किरदार के लिए रणदीप हुड्डा या इरफान खान सही च्वाइस होंगे। इसके बाद अरबाज ने उन्हें फिल्म को प्रोड्यूस करने देने का ऑफर दिया और इरफान रणदीप से बात नहीं बनने के बाद सलमान को फिल्म में लेने की सलाह दी। अरबाज की इस सलाह को अभिनव ने तुरंत मान लिया।